वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सत श्री अकाल नमो बधाई जम साथ सलाम साथ वाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साथ है। अब सब जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ और सच्ची आवाज़ उठाते हैं। आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहने तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों आप सभी जानते हैं कि जो अभी सिंगू बॉर्डर पर जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो है इसमें बहुत सारा इसमें पेचीदा मसला है, तो उसमें अगर बात करनी है तो हम जानकर हमारे पास होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो वॉइस ऑफ खालसा जो रेडियो टीवी चलाते थे, रेडियो चलाते थे, उसके बाद में टीवी हुआ स्टार्ट, तो उसके मालिक हैं, तो ये जुड़े हमारे साथ में, उनसे पहले उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी सुखविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा। मेघराज सिंह जी आपका फिर सारे सुनने वाले वॉइस ऑफ मानवता के श्रोतियों दर्शकों वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। जी सुखविंदर सिंह जी, आप जानते हो मतलब इसमें के जो सिंगू बॉर्डर पर जो घटना घटी है उसमें तकरीबन आपने सारा कुछ देख लिया होगा, वो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो ये जो घटना घटी है इसके बारे में आप जो है मतलब इसके पीछे क्या कारण समझते हो, उसमें वो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी सुखविंदर मेघराज सिंह जी, मेरा ख्याल है हम बात हिंदी में करें ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उनको बात समझ में आ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो जो सिंगू बॉर्डर में घटा है दो दिन पहले जी, क्योंकि मीडिया के युग के अंदर मीडिया कैसे काम करता है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मीडिया जो है उसके हिसाब से इंसान अपना ओपिनियन बनाता है जी। तो उसके हैपनिंग होने के बाद अलग अलग लोगों ने, इवन के सिखों ने जा और बहुत सारे लोग जो भारत के अंदर वो उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक गरीब का बंदा जिसके ऊपर हमला होगा, जिसके ने अलग अलग जैसे मीडिया ने नैरेटिव मार्केट के अंदर फैलाया, गोदी मीडिया ने, उसके हिसाब से लोगों ने अपना अपना ओपिनियन बनाया। अपने अपने ओपिनियन बनाने के बाद उन लोगों ने तरह तरह की अलग अलग बातें करनी स्टार्ट कर, लेकिन बात ये समझनी जरूरी है कि मीडिया काम कैसे करता है, गलत को सही कैसे बनाता है, सही को गलत कैसे बनाता है। सो मैं आपको 2018 की बात बताता हूँ कि उसमें, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ उस जगह का, मैं खुद वहां था, साथ में टीम मेंबर का बंदा था और साथ में केवल सिंह जो दमदमा साहब के जथेदार हैं वो भी साथ में थे। 2018 के अंदर 1 जनवरी को भीमा कोरे गाय जो जगह है वो पुणे के बाजू में है और वहां मूल वासियों का बहुत बड़ा दिन 100 ईयर का मना रहे थे, तो हमने भी शमूलियत की। उस वक्त क्या हुआ मेघराज सिंह जी के आरएसएस ने के बंदों ने 4 सफेरे जितनी भी एंट्रेंस है वहां आने के लिए सड़कें वो वहां बड़े बड़े खड्डे खोद रखे थे कि पब्लिक ज्यादा जमा ना हो। उसके बाद दुकानों जो जितनी शॉप्स हैं या 3-व्हीलर वाले हैं, टैक्सियां वाले हैं, बसें वाले हैं, उनको प्रोहिबिट किया हुआ था जी। वो क्या कि उसके बाद में दंगे बढ़ गया, जब दंगे बढ़ गए हैं क्या देखते हैं हम कि 4-4 मंजिल के जो मकान है उसके ऊपर रूढ़े पत्थर कहाँ से आ गए। अगर जो 4 मंजिली बिल्डिंग है उसके ऊपर पत्थर बोले रूढ़े जमा किए हुए हैं, तो नीचे जो प्रदर्शनकारी है जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उनके हाथों में जो डंडे हैं वो भीम का जय भीम के पकड़े हुए हैं, जय भीम जय भारत ब्लू कलर की, उनमें जो टी शर्टें पहनी हुई हैं बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो उसके, वो बंदे क्या कर रहे हैं कि पत्थर उठा उठा कर दुकानों के ऊपर मार जी। तो उसके बाद में क्या होता है कि मार्केट के अंदर न्यूज आती है मीडिया के जो गोदी मीडिया है ही है, क्या किया जाता है कि अम्बेडकरियों ने जय भीम वालों ने हल्ला गुल्ला किया, लोगों की दुकानें तोड़ी, लोगों के मोटरसाइकिलों को आग लगाई, गाड़ियों को आग लगाई जी। ये बात बताने का मेरा मतलब ये है कि जो
जयपी माल टी शर्टे पहनी हुई है। हम मीडिया में दिखा वो बंद की फोटोग्राफ दिखाई जा रही है, वो दिखाई जा रही है। मैं 4-5 दिन के बाद मेरी 6 जनवरी को फ्लाइट थी वापस अमेरिका की। जब मैं यहाँ आया, क्या देखते हैं कि जितना मीडिया है उसके ऊपर ये न्यूज चल रही है कि अम्बेडकरियों ने, जय भीम के मानने वाले लोगों ने लोगों के पत्थर मारे, लोगों की दुकानों को आग लगाई, कारों को, स्कूटरों को, मोटरसाइकिलों को आग लगाई। जबकि उस चीज का ग्राउंड में तो मैंने देखा था जी। इवन के जब दुनिया इतना ज्यादा वहां माहौल खराब हो गया कि 10-15 किलोमीटर तक भीमा कोरे गांव से कोई मतलब ट्रैफिक नहीं, सारिया दुकानें बंद, बिजली बंद, पानी बंद, इवन के दुकानें जो अंदर से बंद करके लोग बैठे। खैर मैं बात छोटी करूं कि मैं कहना ये चाहता हूं मीडिया कैसे नैरेटिव फैलाता है। तो 2018 के जब अमृतसर में बाम सिव का एग्जीबिशन हुआ, मैं वहां स्टेज के ऊपर भी ये बोला और लोगों से बात भी की। सो मेरा आज भी वही क्वेश्चन है कि क्या जो अम्बेडकरिये हैं, जय भीम को मानने वाले हैं, वो लोगों की गाड़ियों को आग लगाते हैं? क्या वो लोगों की दुकानों को आग लगाते हैं? अगर वो मीडिया का नैरेटिव जो फैलाया गया मार्केट के अंदर, तो वो जो सवाल है वो मूल निवासियों के मथे पर लग गया कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग जो वो दंगाकारी होते हैं, भड़काने वाले होते हैं। सेम स्टोरी जो अभी सिंघू बॉर्डर में हुई जी, जो पत्ता खेला गया 2-3 महीने से दलित 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 कहकर। सो उसमें जबकि जो उसकी बैकग्राउंड में जब हम देखते हैं 2015 में गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होती है। मेघराज सिंह जी 2015 से लेकर अभी 2021 का सन आ गया, 2021 तक सिक्स ईयर के अंदर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी है रुकने का नाम नहीं ले रही जी। और जब जितने भी बंदे आज तक पकड़े गए हैं, वो कोई बिजली का करंट लग के तार सड़ गई इसकी वजह से गुरु ग्रंथ साहब को आग पकड़ ली, कोई बहाना लगाया जे बंदा मेंटल है, कोई बहाना लगाया जाता अभी थोड़े दिन पहले ही केसगढ़ साहब जो तख्त है आनंदपुर साहब में उसके अंदर बंदा जाता है, बंदा दाढ़ी कटी हुई है उसकी, सिर के बाल नहीं है, वो वहां जाता है सिगरेट का धुआं पी के अंदर फेंकता है जी। तो जो कीर्तन कर उसके ऊपर फेंकता है, उसके ऊपर पकड़ के पुलिस को दिया, कोई एक्शन नहीं। उसके बाद में कितने केस ऐसे हुए हैं जो के तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के लिए उसके बाद में ये कहा जाता है ये पागल था, ये ऐसा 6 साल के अंदर कोई जस्टिस नहीं मिला। दूसरा, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जहां गुरु नानक पातशाह शेख गुरुओं की वाणी है, बाकी संत गुरु रविदास जी, नामदेव जी, संत कबीर जी, भगत त्रिलोचन जी सभी बैठे हैं, क्या जो आज ये सवाल उठा रहे हैं, जे गुरु रविदास जी अंदर बैठे हैं, संत नामदेव जी बैठे हैं, उनकी बेअदबी नहीं होती? क्या ये सिखों का अकेलों की जिम्मेवारी है कि बेअदबी के लिए सीरियस होना? पार पूरे भारत का जो समाज है उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती इस चीज? सो गुरु ग्रंथ साहब का जो बेअदबी का मसला है, उसमें जब वो बंदा अंदर आता है, अंदर आने के बाद जो निहंग सिंह की छावनी है, निहंग सिंह का तंबू है या जो जगह है, उसमें धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब है, दसम ग्रंथ है, सर्वलोक ग्रंथ है। जो सर्वलोक ग्रंथ है या दसम ग्रंथ है, उसका बेशक ये पंथ का अपना पर्सनल मसला है कि इन चीजों ग्रंथों का मसले को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर वो मानते हैं तो वो मानते हैं उसको पकड़ के लेकर जा रहा है। ये कारण बना है कि उसका 6 साल के अंदर जस्टिस ना मिलना,
इमीडिएटली, क्योंकि जो निहंग सिंह फौजी हैं उनके पास 5 शस्त्र जो है उनके लाइसेंस होते हैं जी। जैसे संविधान के अंदर सिख को कृपान पहनने का अधिकार मिला हुआ है और उसका साइज है जो वो तय नहीं है कि कितने इंच की होनी चाहिए, लेकिन जो निहंग सिंह जथेबंदियां हैं उनके पास 5 हथियार है वो अपने पास रखती हूँ। अगर 5 हथियार जो उनके पास है उनकी जगह में अगर कोई करके बेअदबी करता है तो क्या रक्षण होगा। मेघरा सिंह जी, इसके लिए मैं एक बात और करना चाहता हूं जी। हम अगर जब ये सोचते हैं कि हम सारे लोग गृहस्थी जीवन में हैं, अपने बहने औरतें माताएं हमारे घरों में होती हैं जी। अगर मान लो बंदा बाहर गया हुआ है किसी काम की वजह से, घर आता है, घर आने के बाद लड़की घर है, औरत है, माँ है, अगर वो दरवाजा खोल के देखता है तो वो देखता है भी 2-3 बंदे अंदर घुसे हुए हैं, उनको कोई भी कर्म कर रहे हैं, माड़ा कर्म कर रहे हैं जी। ये शक 3 इसको अगर चीजों में देखे, मैं बहुत चीजें मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता, बस वो कोर्ट वर्ल्ड में ही समझना होगा कि अगर लड़की को ऐसे ही पकड़ लिया मतलब उसका भी सेम ही होता है जी। अगर उसके कपड़े फाड़ दिए मतलब उसका भी सेम ही होता है, अगर उसको पकड़ के कर्म किया मतलब फिर भी सेम ही होता है। तो जो बंदा बाहर से आया उसका रिएक्शन क्या होगा जी जी, ये सवाल है हमारे लिए। और जब हम रिएक्शन करते हैं कोई भी, सबसे जरूरी बात समझनी जरूरी है मेघराज सिंह जी जी, जब रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन तभी होगा जिसके साथ तुम्हारा ज्यादा प्यार हो। अगर मदर है, सिस्टर है, अपनी लड़की है, वो ज्यादा क्लोज टू हार्ट होती है तो उसके लिए तुम जो बंदे का रिएक्ट होगा, क्या पहले जो ये सोचेगा कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, क्या जो पहले ये सोचेगा कि मैं पुलिस को कॉल करूं, क्या जो ये पहले पूछेगा भाई तुम कौन हो। ये सवाल है सभी के लिए, हमें मैं भी बीच ही हूं, एवरीबॉडी के लिए सवाल सेम है। उस वक्त क्या रिएक्शन होएगा बंदे का जो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन के, अपनी बेटी के, अपनी मिसिज के साथ अगर कोई कर्म दिखेगा। अगर वही रिएक्शन है जो मान लो सेकंड फ्लोर में आपने रेंट पे दिया हुआ, वहां कुछ ऐसा हो रहा है या गुआंडी के साथ हो रहा है, उतना रिएक्शन उसके लिए नहीं होगा तो बंदा तो सोचेगा चल यार पुलिस को कॉल कर देते हैं, या हम बंदा सोचेगा चल कोई और सोच लेते हैं क्या होना चाहिए। लेकिन जो मिडियल इलेक्शन है उसके बहाइंड में 6 साल के अंदर जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का कोई इंसाफ ना मिलना, ये उसके बदले में रिएक्शन था मेरा से जी जी। साथियों हम बताना चाहते हैं कि इसमें जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का जो चल रहा पेज है उस पर हमने लाइव जा रहा हमारा प्रोग्राम, हमने लिंक भी दिया, अगर किसी का कोई सवाल है भाई साहब को पूछ सकते हैं, कोई भी किसी का सवाल किसी प्रकार का भी है, अगर जैसे आप लोगों के दिमाग में चल रही बातें भाई सिखों ने इसको मारा इसको इस तरह कर दिया, तो आप सवाल भी पुट कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, तो मेरा नंबर भी नोट कर लो, अगर करना तो 3474754233 हमारा नंबर है, अगर कोई सवाल करना चाहता है, जुड़ना चाहता है जुड़ भी सकता है। तो इसमें जो है जो सिखों के द्वारा कार्रवाई की गई है, तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे सिख तो मतलब बहुत सारे कहते हैं कि सिख तो आतंकवादी हैं, बहुत सारे इस तरह समझते हैं, तो ये जो दिखाया उन्होंने मतलब उसको मार करके या मतलब जो भी हुआ उसको मार जो रखा गया, तो इसमें उनको सिखों जो सिंगों ने जो मतलब जो कार्रवाई की कहाँ तक जाएगा इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो मेघराज सिंह जी जो कास्ट की बात आती है, क्योंकि वो ही ज्यादा गुस्सा है हमारे लोगों के अंदर, वो जो नैरेटिव मीडिया ने फैलाया उसके हिसाब से उनका गुस्सा होना जायज है, लेकिन बात एक समझनी जरूरी होगी कि जिसने हमला किया लखवीर सिंह ने, नारायण सिंह ने, उन्होंने जो हमला किया, पहली बात मेघराज सिंह जी जब पहल लेते हैं उस वक्त ये कहा जाता है कि आज से तुम्हारा कुल नाश, वर्ण बन के हिसाब से जो जात है उसका नाश, जितना भी मर्यादा दृढ़ कराई जाती है जी। उसके बाद में वो पहले क्या था, कौन सी जात का था, किससे रिलेटेड था, लेकिन
बात करने के लिए, समझाने के लिए कि ये वो, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। जो लखवीर सिंह है, जो नारायण सिंह है, वो भी एस सी स्टूल कास्ट पर, वो जो निहंग सिंह जितने ज्यादा गिनती में, वो उसका नाम मजहबी सिख बोलते हैं, लेकिन बेचक जो मजहबी सिख उनको बोलते हैं वो भी, जे हम जे बोले भी दलित था, शुगर था, या जो सो कॉल्ड ब्राह्मण ने दलित शूद्र में रखा हुआ है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जटों को, सिखों को, जितनी भी जाते हैं, ब्राह्मण ने शूद्र में रखा हुआ है। तो उसमें जो हमारे इंटेलेक्चुअल पद्धर के लोग हैं, उसको लफ्ज को इसलिए ऐसे यूज करते हैं, जैसे अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसकी एक कोट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। सेम वर्डिंग है जो सिखों की, सिख ऑफ द दलित, सिख बाय द दलित, सिख फॉर द दलित, क्योंकि सिख आप दलित है। दलित का मतलब बेशक हम अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन हम इसको ये वर्ल्ड अगर हम ये समझें कि ब्राह्मण के मुताबिक हम सभी भाई भाई हैं और शूद्र हैं उनकी निगाह के मुताबिक, लेकिन जब हम खंडे बाते की पौ ले लेते हैं फिर हम वो नहीं रहते। जो अभी आपका सवाल था, जो मीडिया ने मार्केट में फैलाया, जो नारायण सिंह है और लखवीर सिंह है, वो तो आप अगर हम इस भाषा में भी बात करें, वो तो आप दलित है, तो दलित दलित को कैसे कत्ल करेगा, बताओ जी। लेकिन जब बात गुरु ग्रंथ साहब की आएगी, उसमें अगर कोई सिख भी होगा, कोई भी दुनिया का इस प्लैनेट के बंदा अंदर होएगा, और रिएक्शन का सेम, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई किस जात के साथ बिलोंग करता, क्योंकि सिख की कोई जात नहीं होती। जी जी, और एक बात और ऐड कर देना चाहता हूँ उसमें, जैसे सच की बात करते हैं ना, जो गुरुओं ने भी इसमें मतलब बहुत सारे गुरुओं ने भी अपने बच्चों को भी मतलब उससे अलग कर दिया था पंथ से। जब सच की बात आती है तो सच मतलब जो है ना, गुरु गुरु जो सातवें पातशाह थे, उन्होंने अपने बच्चों को उन्होंने एक गुरबाणी का जो है ना वो तुक बदल दी थी कि मिट्टी मुसलमान की, पेड़े भाई कुम्हारो, उन्होंने बेईमानी बता दिया था, उसको भी घर से बाहर निकाल दिया था। तो जो भी सच के साथ में ऐसा करते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से वो जायज है, मतलब हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं को ऐसा है, जो गुस्सा है उनका, जो छह सात साल से जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी चल रही थी उसके कारण का गुस्सा था, नहीं तो कोई सिख इस तरह किसी बेगुनाह को, मतलब किसी को बेगुनाह के ऊपर कत्ल नहीं करता कभी, ना किसी को और वार करता है। तो सुखविंदर सिंह जी, क्या ये मतलब जायज है जो बातें, मतलब गुरु ने जो अपने इसमें ये जो किया लोगों ने, वो तो गुरु परंपरा चली आ रही है कि जो भी मतलब सच के खिलाफ जाता है उसको तो मतलब पंथ से बाहर निकाल देते हैं, या फिर मतलब उसको इस तरह से सजा मिलती है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये परंपरा पहले से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? आपने ऑलमोस्ट अपनी बात करके उसमें आपने जवाब दे ही दिया, मैं उसमें सिर्फ ऐड ही करूंगा जी के 1984 में दरबार साहब पे अटैक होता है जी, लेकिन उसके 31 अक्टूबर अभी आने वाली है, जो बेअंत सिंह था वो कौन था? जो बेअंत सिंह था वो स्टूल कास्ट था। तो लेकिन जो दूसरा, अगर लेकिन मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात समझाने के, समझने के लिए इसलिए बता रहा हूं, मैं सिख की कोई जात नहीं होती, सिर्फ के जो अभी मार्केट में ये नैरेटिव फैलाया गया कि गरीब के साथ ऐसा हो गया, या वो गरीब जो भाई अशूत था उसको ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना, ये मैटर नहीं है, कभी भी ऐसा मैटर नहीं हो। मैं आपको उदाहरण देता हूँ जी, अगर ये अगर ये मैटर है कि अशूत के साथ ऐसा हुआ, या दलित के, पहली बात तो ये है कि जट तो आप से, आप जो ब्राह्मण की कैटेगरी में वो आप शूद्र है, आप दलित है। दूसरी बात, अगर ये बात हम चलो मान भी लेते हैं कि परसेंट, क्या किसी गुरुद्वारे के अंदर जब तुम दरबार साहब अमृतसर जाते हो, नहीं गुरुद्वारा होता गलो, गुरुद्वारे में जाते हो, वहां जोड़े खोलते हो बाहर, वहां जोड़े जमा करने वाले बंदे होते हैं, जहां वो कभी उन्होंने देखा कि जे जट का छू है, जे किसी और स्टूल कास्ट का छू है, किसी और का जे जूती है, वो जूते को लेकर ऐसे माथे को लगाते हैं, सेवा करते हैं जी।
तो इसमें अशुद्ध कहाँ आ गई बात, अशुद्ध की कैसे आ गई बात इसमें। अगर हम सरोवर में नहाते हैं तो एक तरफ तो जो इंडिया का अभी भी वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को एक मंदिर में नहीं घुसने नहीं दिए देने दिया जाता है, एक तरफ पूरे भारत के अंदर वो लोग मंदिर में जाते हैं उनको स्टूल कास्ट कह के या वो ब्ला 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 जो भी इनके नेम हैं एंटर नहीं होने दिया जाता, दूसरी तरफ सिख कौम के अंदर लंगर में बैठते हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गुरुद्वारे के अंदर लंगर बरताते हैं, लंगर बनाते हैं, लंगर खाते हैं, लंगर कोई भी काम करते हैं, दिखाओ कहाँ है अछूत की बात, वहां कहाँ आ गई वो। इसकी जगह में कोई भी बंदा होता, अगर कोई बीबी भी होती, कोई लड़की होती, कोई एनी पर्सन होता, तो यही उसका होना था। लेकिन ये कोई जानबूझ के नहीं किया गया, ना ही कोई ये देखा गया कि उसने क्यों। लेकिन जो बंदे कह रहे हैं वो, हम भी ये मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उसके बिहाइंड में क्या था। जैसे मैं शुरू में बोला कि जब आदमी रिएक्शन करता, रिएक्ट करता है, उस वक्त तो बंदा ये नहीं, जो मेंटली साइकोलॉजी होती है उस वक्त, क्या आप जैसे मैंने बोला, क्या आप ये बोलेंगे कि मैं पहले वीडियो बनाऊं? अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, क्या आप उससे पहले ये देखेंगे कि मैं पुलिस को कॉल करूं? क्योंकि इमीडिएटली तुम रिएक्ट करते हो। जी, चलिए, मैं तो सवाल मेरा बहुत ज्यादा गंभीर है, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। इसमें जैसे हम देखते हैं कि मतलब सिखों की बहादुरी का इतिहास रहा है, पहले जब भी इन्होंने मतलब मुगलों के साथ में लड़ाई लड़ी है, या मतलब कि दुश्मन को इन्होंने मार दी है, लेकिन दुश्मन के जो बच्चे थे या मतलब सिखों ने कभी उनके साथ में वो नहीं किया है, गलत नहीं किया, बल्कि उनकी हेल्प की है। जैसे सुना जाता है कि मुगलों के जो बच्चे थे उनको वहां तक उनके घर तक भी छोड़ने गए हैं, दोषी को दो सजा दे दी है। तो इसमें क्या है कि हमारे साथ मनदीप सिंह जुड़े, हमारे टीम मेंबर है, तो इनका स्वागत करते हैं। स्वागत करता है मनदीप सिंह जी आपका आवाज शो मानवता न्यूज चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा। आप बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है, तो मैंने आपको खुद रिक्वेस्ट की कि मुझे भी शामिल कीजिए, और आपने शामिल किया, धन्यवाद आपका। नहीं, धन्यवाद तो नहीं, ये तो आपका अपना प्रोग्राम है, इस पर जब मर्जी आप आ सकते हैं। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे सिखों की बहादुरी रही है, गुरु गोविंद सिंह जी ने सुना जाता है उनके जब भी वो तीर चलाते थे, जब दुश्मन मारते थे, उस पर सोने का पाप ने दो तोड़ो एक कितना सोना चढ़ा होता था। मतलब कहने का मतलब ये कि वो मतलब मारते भी थे किसी को तो उसकी हेल्प भी कर देते थे। मतलब जैसे सिखों का इतिहास है आपने देखते, तो सिखों का अगर ये अभी जो चल रहा है, जो जो उसने किया उसकी सजा उसको मिल गई है, लेकिन जो परिवार है वो तो मतलब उसका हकदार नहीं है सजा का। हो सके अगर सिख उनकी कोई हेल्प करें या कुछ, मतलब क्या ऐसा करना जायज होगा हेल्प करना उनका, या क्यों कि अगर बहुत सारे सिख तो ऐसा सोचेंगे भी दुश्मन के परिवार है तो उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरे ख्याल में बहुत सारे सोचेंगे, लेकिन आप क्या कहना, क्या कहना सुखविंदर सिंह जी, क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेघना सिंह जी, इसमें देखो अगर ऐसी बात है, ना ही उनके बच्चों का कोई कसूर है, ना ही उनकी फैमिली मदर फादर सिस्टर किसी का कोई कसूर नहीं है, और इसमें जहां बाहर के देशों में सिख विचार भी कर रहे हैं कि उनके जो इवन के आपने इंटरव्यू देखी होगी, मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जो उसकी औरत है मिसिज है उसकी घरवाली है, वो उसको 5 साल के ऊपर समा हो गया, उसको छोड़ के अपने पेका कर रह रही है, उसके 3-3 लड़कियां हैं। तो जे मैं सारे समाजिक कौम को जो बेनती भी करूंगा कि हमारा फर्ज बनता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसके हस्बैंड ने जो गलती की है या उसने या तो परिवार भी उसकी सजा भुगते, इसलिए तो और भी जो दरिया दिल दिखाने की जरूरत है कि उनकी बच्चियों को पेशा का अडॉप्ट किया जाए या पैसों की मदद की जाए या जो जैसी भी मदद चाहिए तो मदद करना इंसानी फर्ज है। मैं इसमें एक बात और जोड़ देना चाहता हूँ, इंसानियत की मदद के लिए जितनी एनजीओ काम कर रही है, खालसा एड काम कर रही है, यूनाइटेड सिख काम कर रही है, कभी उन्होंने ये सवाल कभी देखा कि जम्मू कश्मीर में अगर कुछ होता है तो कोई हड़ आते हैं, तूफान आता है, या किसी भी कंट्री में, इराक में आता है, गुजरात में आता है, बंगाल में आता है,
कभी किसी ने ये अछूत की या एसटी की ओबीसी या ऐसा कोई जात के प्रति करके किसी की मदद ना की हुई, बताओ एक भी आपकी हिस्ट्री में कोई होगा तो हम उसको आंसरेबल बनाएंगे चैनल के ऊपर। जी जी, ऐसा कभी हुआ नहीं। सो इसलिए कि जो मार्केट का जो नैरेटिव है गोदी मीडिया का, उसके हिसाब से प्रिंट मीडिया उनके हाथ में है, सारा कुछ उनके हाथ में है। मैं एक सवाल और भी आपके सामने पूरी जितने देख रहे हैं, क्या हम अपना मीडिया खड़ा कर पाए? उसमें सिख भी इंक्लूड है, तो जिसके साथ मुकाबला जिस मीडिया का तुम लोग सच मान के सिखों के अगेंस्ट उन्होंने जो फ्रंट खोला हुआ है, 27 चैनल मानी गए हैं, 17 चैनल अडानी के चल रहे हैं, 40 चैनल के 45 चैनलों के ऊपर आप जो देख रहे हो उसके हिसाब से ओपिनियन बना के सिखों के अगेंस्ट तुम बातें कर रहे हो। नहीं तो देखो, मैं चैनल के बारे में जो आपने जिक्र किया है, तो बहुत सारा हमारी गलती बहुत सारी है कि अपने चैनल को हम ऐड भी नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे है भले दूसरे चैनल को हजारों हजारों डॉलर भी दे देते हैं, लेकिन अपने को तो $500 भी दे देते हैं, इनकी जान निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे गलती बहुत हमारी गलती है इसमें होता है बहुत। इसमें तो इसमें आने वाले वक्त में सिखो इसमें इम्पोर्टेंट इसकी समझनी पड़ेगी भी मीडिया की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि आज देखे भारत में पूरा हालात इन्होंने खराब कर दिए गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया का गोबर मीडिया है, बदकू छोड़ता है। तो भाई मनदीप सिंह का भी ले लेते थोड़ा ओपिनियन। अब मनदीप सिंह जी, आप देखते हैं इसमें 2-3 दिन से जो घटना चल रही है सिंह बॉर्डर की, इसको आप किस नजरे देखते हैं? और ये मतलब घटना जो है घटी है ये एकदम से तो नहीं घटी होगी, इसके पीछे क्या साजिश समझ सकते हैं आप जी? मनदीप सिंह, बिल्कुल पीछे साजिश है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। जो बड़े स्कॉलर्स है वो इसके बारे में उन्होंने भी विचार की है कि ये कहिए कि एक आम सा इंसिडेंस है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो है ये हमारे जो सरकार का जो खुफिया तंत्र है या वो सिस्टम है उसकी नाकामी है कि एक आदमी ऐसे कैसे जो है वो ऐसे काम कर सकता है। ये बिल्कुल शरारत हुई है। जैसे निहंग सिंह ने भी कहा कि 30,000 दे के 20 बंदे जो है वो भेजे गए थे एजेंसियों की तरफ से, और इसमें यदि 50% भी सच्चाई हो, यदि 30-20 ना हो 10 ही हो, तो इस बारे में समझ जाना चाहिए कि ये एक खुफिया तंत्र की बड़ी बड़ी नाकामी है। क्योंकि वहां पर शांतिपूर्ण हर चीज चले, निहंग सिंहों ने इससे पहले कोई भी ऐसी कोई बात नहीं की। यदि वो ऐसे शरारती होते या गलत अंसर होते तो 10 महीने से वो शांति बनाई ना रखते, यदि वो हिंसक ही होते हर चीज पर। क्योंकि वाणी का एक फरमान है, जब है बाण लागे तब है रोष जागे। अब जो है जब गलती हुई है, जब कोई गलत काम हुआ है, उन्होंने एक्शन का रिएक्शन किया। जैसे हमारे भाई साहब जी ने, सुखविंदर सिंह जी ने जो बात की है कि एक्शन का जो रिएक्शन है वो एकदम घटा है। क्योंकि निहंग कौम हम सभी जानते हैं कि वो फकर आदमी है, वो परवाह नहीं करते किसी गवर्नमेंट की, वो हमेशा ही दूसरा माने चाहे ना माने, असल में जो राजे है ना वो निहंग सिंह है। वो किसी की परवाह नहीं करते, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। आपने देखा है कि दोषी हमेशा ही अपना बचाव करता है। उन्होंने अपने 4 आदमी जिन्होंने ये हरकत की, जिन्होंने उसको सौदा लगाया, सजा दिया, उन्होंने अपने आदमी दे दिए कि जी इन लोगों ने किया है, इनको हम कानून के हवाले करते हैं। ऐसी मिसाल आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, संसार में मिलनी बड़ी मुश्किल है। क्योंकि निहंगों के मन में सच्चाई है, ऐसा इंसिडेंस के करने के बाद में भी उन्होंने अपने उन आदमियों को डिफेंड नहीं किया, उनको सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा किसी ने किया है? जो लखीमपुर खीरी वाला केस है, वो लीडर जो है वो अपने लड़कियों को आज तक वो लुकोरा है, और मीडिया ने कैसा चलाया हम सब जानते हैं, इससे पहले हफ्ते में क्या हुआ है। और ये सिखों ने, हमारे निहंग सिंहों ने कितनी बड़ी जो है वो एक एग्जाम्पल सेट की है कि हम शांति बनाए रखना चाहते थे मगर हमको मजबूर किया गया, और मजबूर करने के बाद यदि हमने किया है तो हमने ये जो हमारे 4 जो सिख हैं भाई जिन्होंने ये काम किया है, हम उनको कानून के हवाले करते हैं। यदि और सिंहों की मांग करेंगे, क्योंकि यही 4 ने किया है, और हम किसी नजायज को कानून के हवाले नहीं करेंगे, किसी और को जो है वो इंटेरोगेशन सहना नहीं देंगे। इन 4 ने किया है, हम मानते हैं, तकसीम करते हैं, उन्होंने उन 4 आदमियों को सामने कर दिया। इससे क्लियर फैसला और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा इसमें क्या हो सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उदाहरण है। जी जी, सुखविंदर सिंह जी, जैसे हम देखते हैं इसमें कि आजकल जो मीडिया जो है जिसको गोबर मीडिया बोलते हैं, गोबर मीडिया में इस करके बोलते हैं क्योंकि तो बदबू बोलते हैं, झूठ से लेकर सुबह से लेकर शाम तक इतनी बदबू छोड़ते हैं
गोबर मीडिया हमने इसके इस करके हमने कोई अलग नाम नहीं दिया उनको, कोई शैतान मीडिया कहता है उसको, कोई दलाल मीडिया कहता है, कोई उसको रविश कुमार जो है मोदी मीडिया कहते हैं, गोबर मीडिया हम इसको इस करके कहते हैं कि गोबर के राड से उसमें साथ में काफी उनका रिश्ता है, उनकी माँ है तो गोबर मीडिया का मतलब जो है कुछ ना कुछ रिश्तेदारी होगा ना, तो उसके गोबर मीडिया कहते हैं, तो बदकू छोड़ते हैं सारा देश। तो मीडिया ने इसमें दलित और सिखों का इशू बनाने की कोशिश की है कि एक बड़े बड़े तगड़े तगड़े जो MLA बैठे हैं हरामखोर, जो हरामखोर इसको कहते हैं, जो फ्री में बैठ कर खाते हैं हराम का मतलब खाने वाले लोग जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो भी कहते हैं कि दलितों के ऊपर कहर किया सिखों ने इस तरह का। तो मोदी मीडिया गोबर मीडिया ने तो दिन रात ये चला रखा कि सिखों का और जो है इसमें दलितों का आपस में ये लड़ पड़ रहे हैं, मरेंगे लड़ेंगे कटेंगे जो भी है, इसके पीछे कारण क्या समझती है, ये सिखों का और दलितों का कोई मसला है या मतलब कोई और मसला है? मसला मैं इसकी बात जाने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिर मैं आपकी बात पे आता हूं। एक दिस इन्फो लैब है बेल्जियम के अंदर, उन्होंने एक एनजीओ है, वो मीडिया एनजीओ है, वो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने अगर जो रिपोर्ट निकाली है ना वो इंडिपेंडेंट एनजीओ है, उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली 60 कंट्री के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड 60 कंट्रियों के अंदर इनके अराउंड 600 जिहड़े है वो पोर्टल वेबसाइट्स चैनल न्यूज़पेपर रेडियो टीवी वो चल रहे हैं, उसमें क्या करते हैं जस्ट मिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे मैं आपको बता के हटा होता हूं कि नाम से आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं कि नाम रखा टाइम्स ऑफ पुर्तगाल, टाइम्स ऑफ पेरिस, टाइम्स जस्ट एग्जांपल है, अफेक्ट नहीं है समझने के लिए, टाइम्स ऑफ पुर्तगाल, टाइम्स ऑफ WW रेडियो बला बला कोई भी नाम रख लो, 660 कंट्री के अंदर इनकी रिपोर्ट में जो जिसका को सीधा था जो तार है वो इंडियन एजेंसी रा के साथ भाई। तो कहने का मतलब जो है उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन को कैसे करते हैं, कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव। तो आप एक और चीज देखो, मार्केट के अंदर 3000 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है, वो मीडिया में खबर गायब है। जो 3 ग्राम, माफ करना, 3 ग्राम या 10 ग्राम जो हेरोइन है वो शाहरुख खान के लड़के से पकड़ी जाती है। तो पूरा भारत का मीडिया उसके ऊपर डिबेट कर रहा है। सो मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड के अंदर, जो जितना भी ओपिनियन है या जितनी भी लड़ाई है वो मीडिया के द्वारा लड़ी जाती है। इसलिए जो मैं अभी मैं आपके बात पे आता हूँ जी, जो आपने सवाल पूछा कि सिर्फ मैं फिर तीसरी दफा सेम वर्ड यूज करने लगा हूँ क्योंकि मेरा दिल करता नहीं है, क्योंकि मैं आपको उस चीज को इंसल्ट समझता हूँ, लेकिन समझने के लिए कि दलित वर्सेस सिख, ये आम लोगों को पता नहीं है कि सिख आल्सो इज दलित, लेकिन सिख एंड दलितों के बीच में लड़ाई खड़ा करना, तुड़का खड़ी करनी, तो उसका पत्ता अभी पंजाब में खेला गया और इन्होंने स्टार्ट भी किया। ये पत्ता स्टार्ट करके जो भाईचारक सांझ प्यार मोहब्बत पूरे 85% का आपस में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जी, तो उस पर कम करने के लिए ये सारी काम किया जी जी जी। शरारत हो रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल सहमति है जी। जी मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, जो हरामखोरी कर रहे हैं बैठे हैं जो शैतान लोग हैं, जो मतलब फ्री का अभी जो सुखविंदर सिंह ने बताया कि भाई इतने देशों में इतने मीडिया चल रहे हैं इनके, मतलब जो फेक न्यूज पे फैलाते हैं, तो इतने हरामखोरी करके इनको मिलता क्या है, मतलब इतना भारत का पैसा लुटा रहे बिना फ्री में तो मीडिया चलता नहीं है, ये तो कोई भी चीज नहीं चलती है, तो इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं ये हरामखोरी में, मतलब सिर्फ इतना सच फैलाने करते कोई दिक्कत नहीं है,
पर झूठ को बोलने में मतलब सच को छुपाने में ये काम कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है ना, ऐसा करके मिसगाइडनेस करके ये जो है जो अपने दोस्त यार जो कॉर्पोरेट जगत के जो आदमी है अंबानी अडानी उनकी अंदर खाते वो मदद भी करते हैं ना लोगों को, और जालों में हमको दलित सिख का मजा बना दिया और पीछे जा करके कुछ और कानून पास कर दिए, कुछ और पास किए, हमको मालूम ही नहीं होता कि वहां पर हो क्या गया है। अपने वो मकसद सिद्ध कर जाते हैं, हमें भरम जाल फैला करके हमारे लोगों में ये अपने मकसद। यदि ऐसा कंट्रोवर्शियल जब कोई भी इशू चलता है, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने इसके पीछे जो है लोगों को भ्रम जाल में डाल के अपना कोई ना कोई और मकसद जो है वो हल कर लिया, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को मालूम ही बाद में पड़ता है कि ये कानून पास हो गया, ये लोग विरोधी कानून पास हो गया, इसको पास कर दिया, वहां पर फौज लगा दी, वहां पर ये हो गया। इन्होंने जो बेईमानी ठगी ठोरी करनी होती है वो उसमें वो आराम से कर जाते हैं। मीडिया उस साइड पर बात ही नहीं करता, वो ऐसी बातें करनी यूजलेस जो बातें होती हैं वो करनी शुरू कर देता है। ये इनका मकसद होता है गवर्नमेंट के जो बुरे काम है उन पर पर्दा डालना होता है, ऐसे करके ऐसे फेक न्यूज चला के या ऐसी जो शरारतें करके, यही एक मकसद होता है इसके पीछे, और कोई ज्यादा मकसद नहीं होता। और लोग फिर भ्रम में फंस जाते हैं, हर बार फंस जाते हैं, लोग पैनिक भी हो जाते हैं। अभी जल्दी ये दो तीन मुद्दे जैसे हमारे उठ रहे हैं, इसके पीछे भी आपको 15-20 दिन बाद मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट ने वो काम कर दिया, लोगों के साथ एक और धोखा कर दिया, लोगों को एक और हक पर डाका डाल दिया। ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता रहा है अब तक, यही हिस्ट्री है, हम सभी जानते हैं। जी जी, नहीं ये डाका डालकर जाएंगे कहा, ये मतलब अंबानी अडानी को बेच रहे हैं इसको, अडानी अंबानी को, अडानी अंबानी भागकर कहाँ चले जाएंगे? ज्यादा इंग्लैंड में चले जाएंगे, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, ज्यादा चांद के ऊपर चले जाएंगे, इससे ज्यादा तो कहीं जाने रहा। लेकिन मौत कहीं भी नहीं छोड़ेगी इनको, चाहे इंग्लैंड में चले जाए, चाहे थाईलैंड में चले जाए, चाहे चांद के ऊपर चले जाए, जिस दिन मौत आएगी उस दिन कागज भी जो उस पर कागजों पर नाम लिखा होगा अडानी अंबानी को वो साथ में लेके जाएंगे कहा? ये हराम खोजी अगर बंद करेंगे तो चैन की नींद पर जाकर भी जितने, मतलब मैं इतना जानता हूँ जो दूसरों के साथ में धोखा करता है, जो दूसरे के साथ में जो दूसरों को परेशान करता है वो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता, ना ही उसको चैन की नींद आ सकती है, ना ही दूसरे को, दूसरे को परेशान वही कर रहा है जो खुद परेशान होता है। तो ये लोग इतने परेशान है दो दूसरों का सुख देख करके कि बहुत परेशान है, तो इनको चैन नहीं आती है। लेकिन ये जाएंगे आज दिन मरेंगे, इनकी आत्मा कटोरा आएगा और भारत बदलेगा एक दिन, सिस्टम से सारा चेंज होगा। इसको थोड़ा क्लियर करें, थोड़ा दलित जो शब्द है, दलित शब्द का मतलब क्या होता है, थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर करके दिखाएं थोड़ा, क्योंकि ये शब्द जो है ना दो तीन जात के साथ जुड़ जाएगा, जैसे चमार है, भलार है, बंगी कहते हैं जिनको, बाल्मीकि कहते हैं, ये इनके साथ में खास करके जोड़ दिया गया है, ये दलित है, इनके ऊपर इतने अत्याचार करते हैं ये, मतलब जो राक्षस लोग जो है, मनुवादी जो उनको कहते हैं, या इनको दानव लोग कहते हैं, दानव मानव के ऊपर राक्षस करते हैं। तो दलित का जो शब्द है ये केवल दलित शब्द उनके लिए ही है, ब्राह्मणों की नजर में क्या है और आम लोगों की नजर में क्या शब्द है, इसको थोड़ा खुलासा करें जी। देखो जो दलित शब्द है, जो अगर हमने इसको दूसरा लें उसको हम शूद्र कह सकते हैं, तो ब्राह्मण की डिक्शनरी में ब्राह्मण अपने आप को ऊपर रखता है, बाद में क्षत्रिय, वैश्य, ते उसके बाद में शूद्र आता है। तो जैसे इनकी स्टेटमेंट है इनके मुताबिक कि शूद्र जो है वो सेवा करने के लिए बना। और जो सिखों में गुरु साहब ने बानी में बहुत तुके आई हैं, इवन के पहल सिखाने के समय उस वक्त जो चैलेंज था कि पग नहीं बांध सकते, घोड़े पर नहीं बैठ सकते, जितने भी ये काम थे, अगर अब आज की दिन में हम पूरे भारत के अंदर देखते हैं, अगर पूरे भारत के अंदर देखते हैं कहीं जिसने पानी को हाथ लगा दिया, किसी जगह उसने दूसरे को हाथ लगा दिया, लेकिन ऐसी वारदात को पंजाब में दिखी आपकी, अगर सिख लो, लेकिन जो दलित सोकल ब्राह्मण का दिया हुआ नाम है, हमारा दिया हुआ नाम नहीं है। हम जो हमारा नाम है, हम पातशाह लोग हैं, बादशाह लोग हैं, हम राज करने वाले लोग हैं, और हम सारे भाई भाई हैं। इसमें अगर हम जब पहल देते हैं, पहल लेते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, उसमें अलग अलग, अगर जस्ट सिंह के
अलग अलग जात के लोग होते हैं, जब अलग अलग जात के होते हैं लेकिन बाटा तो एक ही होता है, उसको मुंह लगाना पड़ता है। इससे बड़ी एविडेंस आपको क्या मिलेगा बताओ। लेकिन हम दलित जो अगर 100 कार्ड ब्राह्मण ने जो जन्म कुंडली है उसके अंदर सभी को उस कैटेगरी में रखा हुआ है, जो हमारा जाना पत्रा बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, जो अलग अलग तरीके से ये चल रहा है गेम, उसके अंदर जो उनको चैलेंज करने वाले उनको राक्षस बनाते हैं। हम लंबी दूसरी में ना जाएं कि जो हाथ में मौली बांधते हैं उसका क्या मतलब है और जो जितने चीजें हैं उसका क्या, हाँ उनके लिए ठीक है, दैट्स फाइन, पर जो दलित शब्द या शूद्र शब्द ये हमारे लिए नीचे रखने के लिए ये उनके ग्रंथों में उनकी जन्म कुंडलियों में ये यूज किया जाता है। लेकिन भी अब हम और जो लोग हैं हम तो भाई भाई हैं। जी जी, अरे मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा उसको और भी देखें, अगर मेरे ख्याल से मेरी शायद थिंकिंग गलत हो जाए, इसमें आप थोड़ा बताना इसके बारे में, ब्राह्मणों के नजरों में जैसे जैन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सबको तो सबको दलित समझता है। जी जी, जी, जी उसके हिसाब से वो दलित समझता है सबको, हम सिर्फ उनको सिर्फ जो बंगी है उनको, हम उनको उनको दलित समझते हैं। तो दलित का मतलब क्या होता है कि जो जिसके हक को खा रहा है ब्राह्मण दिन रात मनवाली जो दानव खा रहे हैं उसको दलित कहते हैं, मतलब सभी का हक खा रहा है, तो उस दलित का मतलब ये है कि, तो ये सही है क्या, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर आप? बिल्कुल आपने, मैं भूल गया था उसमें स्किप कर दिया, उसमें अगर एक बात आप और जोड़े के? जो ज्यादा सिख लोग मानते हैं दलित का मतलब दलिया हुआ होता है, जिसके हक मार लिए जाते हैं। किसको हम अगर आप हम उसमें से देखते हैं, वो चाहे जैन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, कोई किसी जात का है, अगर उसके जो हक है जो राइट्स हैं वो तो ब्राह्मण के ही सेफ है, दूसरे नंबर के या जो वो क्षत्रिय के सेफ है, वैश्य के सेफ है, तो जिसके हक सेफ नहीं है तो वो सारे हम उस कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ जी, तो इसमें मंदीप सिंह जी क्या करना चाहते हैं इसके ऊपर, आप थोड़ा एक मिनट का विचार देना चाहते हैं इसके ऊपर, दलित का मतलब क्या होता है? दलित हम तो बहुत सारे समझते हैं कि चमार तो बलार यही दलित होते हैं भारत के अंदर, लेकिन ब्राह्मणों की नजरों में तो सबके सबको तो दलित समझता है, सबका हक मार लेता है, वह सिखों को मार रखा है, मतलब इतना इतना हक सबके मार रखे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? क्योंकि जो दलित सुखविंदर सिंह जी ने बताई है हमारे भाई साहब ने, इसका यही है कि जो जिसको समाज में बराबर का हक नहीं मिलता या वो देखने के लिए वो अपनी सुपेरियरिटी जो है, अपना जो उच्च स्थान है वो कायम रखना चाहता है ब्राह्मण समाज, और दूसरों के हक वो छीनता है और दूसरे के पास हक पहुंचने नहीं देता, उसमें जी जी जाती है। मगर यदि हम अपने पंजाब का माहौल देखते हैं जो इंसान साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की रोशनी में चलता है, वहां पर तो उसकी स्पष्ट हो जाती है। बाबा कबीर जी जैसे कहते हैं, मैं गुरबाणी की एक पंक्ति लूंगा, हम कर सूत तनय नित ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे को, तुम तो पढ़ो वेद गायत्री गोविंद हृदय हमारे। कहते हैं कि जो तुम जनेऊ पंडित जो तू जनेऊ पहनता है ना, वो हमारे सूत का वो बुना हुआ आता है, वो तुम पैदा नहीं करते, जो कपास का सूत बनता है, और तुम तो वेद गायत्री करते हैं मगर भगवान का नाम तो हमारे बीच में है, क्योंकि मैंने मेहनत से वो जो तुमने जनेऊ डाला हुआ है ना, वो मैंने अपनी मेहनत से तैयार किया है, और अब बता कि अब तू जनेऊ मेरे हाथ का पहना हुआ है, अब तू भी मेरे बराबर ही आ गया। यदि ऐसी बात है तो फिर तेरे और मेरे में फर्क क्या रह गया? बात है कि नजरिए को समझने की बात है, जो तो अपने माइंड में ऐसा समझे कि पंडित ने मेरे को दलित कह दिया और मैं दलित बन गया, वो इंसान बीमार खुद हो गया। मगर जिसने इस बात को मानना ही नहीं, जैसे गुरबाणी जो है इस बात को मानती नहीं है, सिख इस बात को मानता ही नहीं है कि मैं दलित हूं या मैं दलित समाज से आया हूं, जैसे वो निहंग सिंह है भाई नारायण सिंह जिसने सोदा लगाया है, वो भी रंगरेटा समाज से आता है मगर वो मानता ही नहीं है अपने आप को दलित। क्यों वो क्यों माने? क्योंकि उसको सिख समाज ने पूरा अपना हक दिया है
शस्त्र डालने का, दमाला बांधने का, हर एक चीज करने का, और उसने अपना भी हक प्रोटेक्ट किया है और दुष्ट का सौदा भी लगाया है और कौम की सपोर्ट भी उसको मिल रही है और सब कुछ टीमी मिल रही है। मगर यदि कहते हैं वो दलित अपने आप को कहते हैं जिसको मारा है और जो जिसने उसको जो है वो चढ़ाई की है, जिसके जिसने उसकी जो खात्मा किया है, वो भी इंसान जो वो वैसी समाज से आता है मगर वो उसने सिक्की धारण कर ली है और उसका भिन्न भेद खत्म हो गया है मगर वो दलित बन गया है। तो आपस में बात तो कोई भी नहीं है मगर ये मीडिया के द्वारा जो है वो भ्रम जाल फैलाया जाता है, इसके अलावा ये कुछ भी बात नहीं है। और हमें जी इस बात को समझना चाहिए, दलित शब्द को जो है वो समझना चाहिए कि हम खुद ना माने अपने आप को दलित, यदि हम खुद नहीं मानेंगे तो पंडित हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, मेरा ये कहना है। ये एक थोड़ी बात आप थोड़ा इसको ठीक करें, मतलब सिख समाज ने दमाला दिया मानने की, ये थोड़ा क्योंकि गुरु साहब ने दिया सबको, सिख समाज ने ये गुरु ब्राह्मणों के पास में या जो शैतान लोग बैठे हैं जो नागपुर में बैठे हैं वो एक बिल पास करते हैं, वो एक नहीं मतलब एक बिल सामने आ जाता है उसके हजारों बिल पीछे खड़े होते हैं, मतलब एक अगर वो एक चला दे ना तो एक उसके बाद में फिर उसके बाद मतलब हजारों बिल इन्होंने पास कर रखे है। और एक कमाल की बात है कि एक दुश्मन एक है और उसने सबको काम पर लगा रखा, मतलब अलग अलग जगह मुसलमानों को अलग से काम पर लगा रखा, उन्होंने मतलब छेड़खानी पर लगा, मतलब ऐसे परेशान करने के लिए सिखों को अलग जगह लगा रखा। इधर इतना दिमाग, अगर वो थोड़ा सा दिमाग 1% भी अपने अपने काम के लिए या अपने अपने सुधार के लिए लगा दे ना तो शायद वो भी सुधर जाए, लोग भी परेशान होने से बच जाए। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, मतलब भंबड़ गुस्सा जो इतना फैला हुआ कि लोगों को समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, तो इस सारे सिस्टम से बाहर निकलने के लिए सभी मूल निवासी इससे जो मनुवादी जो दांत देने और दानव फिर घूम रहा है यहाँ पर, इससे आजाद भी हो जाए और ये मनुवादी दानव हार भी जाए, क्या करना चाहिए सभी को मिलकर के? देखो पार्टी के उधर गरमानी के अंदर भी कोई किसी इंडिविजुअल को दूसरा के लिए कोई वर्ड यूज नहीं किया हुआ कि ब्राह्मण को माड़ा कहना या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सोच है जो सोच दूसरे के हक मारती है, वो दूसरे को गुलाम बनाती है। अगर इनका राज सभी को बराबरता का, जैसे इन मुल्कों में है, बाहर के देशों में है, वो ही चीज बराबरता का हक अगर भारत में के अंदर लेकर आते हैं तो बेशक ये 100 साल राज करें ब्राह्मण, नो प्रॉब्लम, मतलब। लेकिन इनका जो इनके जो ग्रंथ है वो, इनका जो सारा सिस्टम है वो खड़ा ही डिवाइड एंड रूल के ऊपर है, बराबरता के ऊपर है ही नहीं है। क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट है कि ब्राह्मण अपने को ऊपर रखता है, दूसरे नंबर के क्षत्रिय को रखता है, तीसरे पे जो शूद्र है उसको सेवा के लिए रखता है। तो बराबरता का जो पहला स्टेप है, पहला कंसेप्ट है, उसमें ही वो क्वालिफाई नहीं कर पा। जो आपका सवाल है उसके लिए जिसका 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 नाम शूद्र दलित या जिनके हक मारे हुए हैं या जो पीड़ित लोग हैं, ये कह सकते हैं वो चाहे सिखों में है, जितने भी 85% है या 90% या 95% है, अगर जब हम पूरे भारत की रेशो निकालते हैं, उनको अपने हकों के लिए जागना होगा। दाल रोटी को या अपने कपड़ों लीड़ों को या होर समान कोई के लिए हम दूसरा ना करें, हम शासन करने वाले लोग हैं, हम बादशाह राज करने वाले लोग हैं, हम गुलाम लोग नहीं है। तो अपनी आजादी के लिए एक होना होगा, अपनी आजादी के लिए अपनी भाइयों के साथ खड़ा होना होगा। एक बात और कह के मैं फिनिश करूं जी, मेघना सिंह जी, जितनी देर हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती तो तुम लड़ाई किसके साथ लड़ रहे हो? मैं उसके लिए एक आपको उदाहरण देता हूं, जो तुम्हारा अपना था उसका तुम, हम मैं भी बीची हूं, इतनों सालों से हम पुतले फूंक रहे हैं। तो जिसने आपके बंदे को का गुटा काटा, उसके बाद उसको मार दिया, उसको नाम सिमरन का, भगवान का नाम लेने का, शास्त्र विजय का लौट नहीं है, उसके लिए तुम
कवाली मना रहे हो, उसके लिए तुम दशहरे के लिए बधाई दे रहे हो, हम उनके त्योहार मना रहे हैं जिन्होंने जिसके हाँ जिन्होंने मनाने हैं वो मनाए, जिनके त्योहार हैं वो मनाए। कहने का मतलब मेरा इस टॉपिक के ऊपर ये है, हमें सिख भी इंक्लूड भी चाहिए, मैं सिखों को बाहर नहीं रख रहा हूँ। हमारे को दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। अगर हमारे को यही पता नहीं है कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है तो हम लड़ाई किसके साथ लड़ रहे हैं। जी इसमें लास्ट में अब कुछ कहना है, मतलब इसको बात को समाप्त करें सुकुंदर जी आप। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सभी को समझना होगा, अपनी पहचान करनी होगी। सो जितने बड़े बडेरे जिन्होंने संघर्ष किए, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराम फूले, या सिखों में गुरु साहिबान, जितने भी हमारे बड़े हुए हैं, उन्होंने जो पूर्णे पाए हुए हैं उनको जो कांचीराम पंजाब की तरसी के आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, या जितने भी हमारे हुए हैं उनकी विचारधारा को समझना। बिना वजह से हम दोस्त को दुश्मन समझी जा रहे हैं और दुश्मन को दोस्त समझी जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दी है। जी जी नहीं दरअसल क्या ना, दोस्त कौन है दुश्मन क्या नहीं, तो देखो आपने को दोस्त को दुश्मन बना देते हैं, खुद के दोस्त को। मतलब क्या है, जैसे बब्बीगण की कहानी सुनी होगी आपने कि घर का वैद्य लंकट आए, मतलब घर के आदमी को पट करके, मतलब उसको पटा करके उसका घर में उखाड़ काम ही करते हैं। तो दुश्मन कौन है दोस्त कौन है, एक सच्चा सच्ची एक ऐसा चीज है जो सच अगर दिमाग में अंदर से आ गया ना किसी के अंदर, तो वो चाहे दुश्मन है या दोस्त तो उसको भी सुधार देता है। तो सच जो है ना वो जरूरी होता है। जी मनदीप सिंह जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं उस पर सारी डिबेट के ऊपर? ये बहुत अच्छी डिबेट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसी डिबेट जो है वो होनी चाहिए थी, और मैं भी थोड़ा सा थोड़े दिनों में बिजी रहा और मैं शामिल नहीं हो सका, और हम भी आगे से भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे। ये ज्यादा से ज्यादा ऐसी इस डिबेट सुननी चाहिए, मेरा अपना भी मन था, और जिस डिबेट में हमने भाग लिया है बड़ी खुशी है इस बात की। थैंक यू वेरी मच। जी सुखविंदर सिंह, लास्ट में अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं सभी मूलनिवासियों को और इसमें मतलब जो चल रहा है इससे बचाव बचने के लिए क्या करना चाहिए इन लोगों, क्योंकि जो है ना संत रविदास जी है के शब्द उनका के वो कहते हैं कि जो भ्रम है वो भ्रम जो है ना भ्रम की पहचान कैसे करें। वो कहते हैं कि मतलब भ्रम जो है ना वो कहते माधवे भ्रम कहिए ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा। वो सीधी बात कर देते हैं कि जैसा होता है वैसा होता नहीं है, भले जैसा मान रहे हो वैसा है नहीं, ऐसे इसको भ्रम कहते हैं। अगर भ्रम को जो है ना जैसे ब्राह्मणवाद है बहुत सारा ये चला था, मैं जो मनदीप सिंह जी बात कर रहे थे जनेऊ की बात कर रहे थे, दरअसल क्या जनेऊ हमने एक आर्टिकल भी लिखा था पहले कि जनेऊ जो ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वर्ल्ड के अंदर जो है ना जनेऊ, क्योंकि उसके अंदर घमंड खड़ा हो जाता है। तो घमंड जो है एक इंसान को बहुत अंदर से खा लेता है। तो इसमें जो है ना सारे मूल निवासियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और इस जो चल रहा है भ्रमण गुस्सा जो चल रहा है इससे मतलब इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं इसके बारे में थोड़ा बताएं थोड़ा, क्योंकि वे फिर समाप्त करते हैं प्रॉब्लम। जी नहीं बात हमारी हमारी हो ही गई है ऑलमोस्ट मेघराज सिंह जी, सिर्फ यही है कि जो बड़ों ने पूर्णे पाए हुए हैं उसको समझ के सियानम से बड़ा लेक्स होके सोचो कि हमारा जो पल्ला पड़ा हुआ है जो हमारा वास्ता पड़ा हुआ है किनके साथ पड़ा हुआ है, और दोस्त और दुश्मन की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपने बोला कि वो ऐसे करते हैं, सो उनके लिए हमारे नौजवान हैं जो हमारे लोग हैं जहाँ हम सभी हैं, उनको बड़ी बड़ी जॉबें करते हैं बिजनेस करते हैं सारा कुछ समझते हैं, सो ये भी थोड़ा गहराई से समझना होगा और उससे आने वाला जो फ्यूचर है उसको ज्यादा रोशन करना होगा। जी हम चाहते हैं कि भाई लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ, देखो दुश्मन की या दोस्त की पहचान कैसे की जा सकती है। मैं इतना समझता हूँ कि जो सच है झूठ और बेईमानी पर अगर चलेंगे तो इंसान शैतान और हैवान बन जाएंगे, सच्चाई और ईमानदारी को जो अपनाएंगे वो महान और विद्वान बन जाएंगे। तो सच विद्वान जो हो सच और ईमानदार ही इंसान पहचान सकता है कि दुश्मन कौन है दोस्त कौन है, और तो दोस्त और दुश्मन की पहचान करे तभी लड़ाई जीत पाएंगे। तो सुगंध सिंह जी आप हमारे साथ में जुड़े इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप सच्चे ईमानदारी से जैसे काम कर रहे थे पहले से
सिख कौम की सेवा करते रहे और मानवता की सेवा करते रहे। सुखरे जुड़े सुखंदर जी संघ, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।